हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम एसीएफ एग्ज़ाम एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्ज़ाम, एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्ज़ाम जो कि 2011 में हुआ था और इसका एग्ज़ाम वापस अभी 2020 या 21 में होने वाला है जो आरपीएससी कराएगी, उसमें जो भी बोटनी के क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 के एग्ज़ाम में, उन बोटनी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन आने वाले जो एसीएफ का एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस एल्गी में सबसे बड़ा थैलस पाया जाता है। तो कौन सी एल्गी होती है उसका थैलस सबसे बड़ा होता है? तो वो एल्गी होती है मैक्रोसिस्टिस। कौन सी मैक्रोसिस्टिस एल्गी होती है ना, वो उसका थैलस सबसे बड़ा होता है। ये मैक्रोसिस्टिस एल्गी कौन सी क्लास में है? ब्राउन एल्गी होती है। मैक्रोसिस्टिस एल्गी कौन सी होती है? ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी होती है ना, वो मेनली कहाँ पाई जाती है? समुद्र में ही पाई जाती है और उसके थैलस बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है? समुद्री खरपतवार। तो आपसे पूछा गया था कि किस एल्गी का थैलस सबसे बड़ा होता है, तो आंसर है मैक्रोसिस्टिस एल्गी का। कौन सी एल्गी का? मैक्रोसिस्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ना, जो अपन से पूछा गया था कि ये ना फ्रेश वाटर एल्गी कौन सी है इनमें से, तो जो फ्यूकस होती है वो ब्राउन एल्गी है, खारे पानी में पाई जाती है। एक्टोकार्पस है वो भी ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है ना, खारे पानी में पाई जाती है। पॉलीसाइफोनिया क्या है? रेड एल्गी भी कहाँ पाई जाती है? समुद्र में, वो भी खारे पानी में पाई जाती है। ये तीनों क्या भाई है? खारे पानी की एल्गी है। जबकि जो कारा होती है वो क्या है? ग्रीन एल्गी है। ये कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में। कारा कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोडोफाइसी गहरे समुद्र में पाई जाती है, परंतु रोडोफाइसी की एक एल्गी जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब उनको मालूम है कि जो रोडोफाइसी होती है ना, वो रेड एल्गी, वो कहाँ पाई जाती है? बहुत गहरे समुद्र में पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक रोडोफाइसी की एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो वो कौन सी रोडोफाइसी है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है? वो है बैट्राकोस्पर्मम। कौन सी है? बैट्राकोस्पर्मम। बैट्राकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है जो कि मीठे पानी में पाई जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉन्ड सिल्क किसको कहते हैं? पॉन्ड सिल्क मतलब तालाब की सिल्क किसको कहा जाता है? जो स्पाइरोगायरा एल्गी होती है ना, स्पाइरोगायरा एल्गी को क्या कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन मोटाइल गैमेट किस में पाए जाते हैं? तो नॉन मोटाइल गैमेट किस में पाए जाते हैं? रोडोफाइसी एल्गी में, मतलब यानी कि रेड एल्गी में। रेड एल्गी में होते ना वो गैमेट होते ना, वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल गैमेट मतलब अगतिशील गैमेट, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। जो साइनोफाइसी है उनमें तो गैमेट पाए नहीं जाते, गैमेट एब्सेंट होते हैं। जबकि जो रोडोफाइसी है उसमें कैसे गैमेट पाए जाते हैं? नॉन मोटाइल। तो रोडोफाइसी के जीवन की किसी भी अवस्था में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि फ्लैजिला के क्राउन युक्त जूइसपोर किस में पाया जाता है? ऐसी कौन सी एल्गी है जिसके जूइसपोर में फ्लैजिला है ना ऐसे क्राउन बना लेता है? तो वो एल्गी कौन सी है? ईडोगोनियम। कौन सी एल्गी है? ईडोगोनियम होती है, उसमें फ्लैजिला के क्राउन युक्त जूइसपोर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है? तो फियोफाइसी में मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन। कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोडोफाइसी में संचित भोजन, तो रोडोफाइसी में संचित भोजन अपन को पता है कि क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च है। कौन सा स्टार्च होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर अपन से पूछे ग्रीन एल्गी में कौन सा है, तो ग्रीन एल्गी में होता है स्टार्च। ब्राउन एल्गी का पूछे तो ब्राउन एल्गी में होती है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ये संचित भोजन होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय व कॉफ़ी की पत्तियों पर पाए जाने वाला परजीवी शैवाल, चाय व कॉफ़ी की पत्तियों पर पाए जाने वाला परजीवी शैवाल, वो परजीवी शैवाल कौन सा होता है? सिफेल्यूरोस। कौन सा होता है? सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस क्या है? एक ग्रीन एल्गी है और ये क्या है? परजीवी है। मेनली जो एल्गी होती है ना वो क्या होती है? स्वपोषी होती है, लेकिन एक ये सिफेल्यूरोस एल्गी है वो परजीवी है, चाय व कॉफ़ी की पत्तियों पर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोफाइसी के सदस्यों में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी वर्णक, तो साइनोफाइसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? फाइकोसाइनिन। कौन सा? फाइकोसाइनिन।
वर्णक पाया जाता है। फाइगो ऐसे या ऐसे पूछ लिया जाए कि फाइगोसाइनिन वर्णक किस में पाया जाता है, तो फाइगोसाइनिन वर्णक पाया जाता है साइनोफाइसी एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन किस में एबसेंट होता है, तो लैंगिक जनन आप उनको पता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं ना, प्रोकैरियोट में लैंगिक जनन क्या होता है, एबसेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट इसमें कौन है, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक प्रकार का क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोफाइसी। तो इसमें क्या है, लैंगिक जनन क्या होता है, एबसेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सभी प्रकाश संश्लेषी एल्गी में पाया जाता है, तो ऐसा कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कि जो कि सभी प्रकाश संश्लेषी एल्गी में पाया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। तो क्वेश्चन था कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सभी प्रकाश संश्लेषी एल्गी में पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन सा होता है कि जो कि सभी प्रकाश संश्लेषी एल्गी में पाया जाता है, एक तो क्लोरोफिल ए को यानी क्या भी कहा जाता है, सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है, यूनिवर्सल पिगमेंट, मतलब ये सभी में पाया जाता है। एंड बीटा कैरोटीन भी सभी एल्गी में पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्गी की किस क्लास में पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है, तो एल्गी की कौन सी क्लास है जिसमें पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है, वो है क्लास साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी। क्या कहलाती है, माइकोलॉजी, जबकि एल्गी की स्टडी क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउनी मिल्ड्यू रोग किससे होता है, तो डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है पेरनोस्पोरा। डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है पेरनोस्पोरा द्वारा, किसके द्वारा, पेरनोस्पोरा द्वारा डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन किससे प्राप्त होता है, एफ्लाटॉक्सिन प्राप्त होता है एस्पर्जिलस एक प्रकार की क्या है, फंजाई है। तो एफ्लाटॉक्सिन किससे प्राप्त होता है, एस्पर्जिलस फंजाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन एग्जाम्पल है, तो लाइकेन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई क्या होता है, सहजीवी होते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। लाइकेन किसका एग्जाम्पल है, एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रोग है कि आलू का वाट रोग किसके द्वारा होता है, आलू का वाट रोग होता है सिनकाइट्रियम द्वारा। आलू का वाट रोग किसके द्वारा होता है, सिनकाइट्रियम द्वारा। किसके द्वारा होता है, सिनकाइट्रियम द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन में जनन होता है, तो लाइकेन में जनन किसके द्वारा होता है, सोरेडिया द्वारा। लाइकेन में जनन होता है किसके द्वारा, सोरेडिया द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिजाइजा का संबंध है, पिजाइजा होते हैं ना किससे संबंधित है, पिजाइजा वो होती है एस्कोमाइसिटिस। कौन किससे संबंधित होते हैं, पिजाइजा एस्कोमाइसिटिस जो फंजाई होती है उससे संबंधित होता है पिजाइजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकर होता है ना एक प्रकार की क्या है, उसमें जो पोषण होता है ना वो किस प्रकार का होता है, सेप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, म्यूकर में ना पोषण किस प्रकार का होता है, सेप्रोफिटिक यानी कि मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेनिसिलियम होती है उसकी प्रोटीन बॉडी किस प्रकार की होती है, पेनिसिलियम की प्रोटीन बॉडी होती है ना वो किस प्रकार की होती है, क्लिस्टोथीसियम, किस प्रकार की होती है, क्लिस्टोथीसियम प्रकार की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो टिक्का रोग होते हैं ना वो किस में होता है, टिक्का रोग होता है मूंगफली में, किस में होता है, मूंगफली में। टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिटोट्राइकम जो ये है वो क्या है, वो कोलिटोट्राइकम होता है ना वो क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटिस की फंजाई है। कोलिटोट्राइकम होती है वो क्या है, फंजाई है, कौन सी क्लास की, ड्यूटेरोमाइसिटिस, कौन सी, ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का ब्लास्ट रोग, ब्लास्ट ऑफ पेडी, धान का ब्लास्ट रोग किसके द्वारा होता है, धान का ब्लास्ट रोग वो किसके द्वारा होता है, वो होता है पायरिकुलेरिया द्वारा, किसके द्वारा, पायरिकुलेरिया द्वारा। धान का ब्लास्ट रोग किसके द्वारा तो होता है, पायरिकुलेरिया द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन में फंजाई द्वारा जनित रोग कौन सा है, तो ह्यूमन में फंजाई कौन सा रोग करती है, दाद या रिंगवर्म रोग होता है ना, दाद, वो ये रोग है ना, दाद रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, फंजाई द्वारा, रिंगवर्म भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों में संचित भोजन क्या होता है, जो फंजाई होती है फंजाई में संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन, क्या होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, और जो ह्यूमन होता है
एनिमल एनिमल में भी संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। प्लांट में संचित भोजन होता है स्टार्च। ओके नेक्स्ट है, कौन से ब्रायोफाइट है उसमें कि सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट पाया जाता है? तो सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है ना किस में पाया जाता है? तो रिक्शिया में पाया जाता है। किस में? रिक्शिया में। ठीक है नेक्स्ट है कि ना मॉसेस के एपिकल भाग में पाए जाने वाली कप लाइक स्ट्रक्चर, मॉस होते हैं उनके जो एपिकल भाग में जो कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? ऑपरकुलम। क्या कहा जाता है? ऑपरकुलम कहा जाता है। ओके पिट मॉस किसको कहा जाता है? पिट मॉस किसको कहा जाता है? स्फेग्नम। किससे कहा जाता है? पिट मॉस स्फेग्नम को कहा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूनेरिया के एंथ्रोजॉइट, फ्यूनेरिया जो कि क्या है ब्रायोफाइट, उसके एंथ्रोजॉइट किस प्रकार के होते हैं? फ्यूनेरिया के एंथ्रोजॉइट होते हैं बाई फ्लेजिलेटेड एंड कॉइल्ड। बाई फ्लेजिलेटेड, दो फ्लेजिला होते हैं और किस प्रकार के? कॉइल्ड प्रकार के। ठीक है फ्यूनेरिया के एंथ्रोजॉइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू मॉस, ट्रू मॉस कौन है? बॉक मॉस होता है ना वो एक प्रकार का क्या है? ट्रू मॉस है, वास्तविक मॉस है। ठीक है जबकि आयरिश मॉस बोल दें, क्लब मॉस बोल दें, रेंडियर मॉस ये सब है ना क्या है? फॉल्स मॉस है। आयरिश मॉस, क्लब मॉस, रेंडियर मॉस ये सब क्या है? फॉल्स मॉस है। जबकि जो बॉक मॉस होता है ना वो क्या है? एक प्रकार का ट्रू मॉस है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ऐसा कौन से प्लांट होता है जिनमें कि स्पोरोफाइट होते हैं ना वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है? ठीक है तो स्पोरोफाइट किस में डिपेंडेंट होता है? जो ब्रायोफाइटा होता है ना उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट किस पर डिपेंडेंट होता है? गैमेटोफाइट पर। ठीक है बाकी ब्रायोफाइट से आगे जो देखते हैं जो टेरिडो, जिम्नो, एनजियो इन सब में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। ओके लेकिन जो ब्रायोफाइटा होती है उसमें मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट होता है? गैमेटोफाइट पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू इलास्टर किस में पाए जाते हैं? ट्रू इलास्टर वास्तविक इलास्टर किस में पाए जाते हैं? मार्केंसिया में। किस में पाए जाते हैं? ट्रू इलास्टर मार्केंसिया में। ओके नेक्स्ट है कि एजुला, एजुला क्या होती है? एजुला एक फर्न है यानी टेरिडोफाइट है। एजुला क्या है? एक प्रकार की फर्न है यानी टेरिडोफाइट है। ट्रू इलास्टर किस में पाए जाते हैं? मार्केंसिया में। एजुला क्या है? एक प्रकार की फर्न यानी कि टेरिडोफाइट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केंसिया की आर्किगोनियम में नेक कैनल सेल का नंबर कितना होता है? मार्केंसिया होती है उसकी आर्किगोनियम में नेक कैनल सेल कितनी होती है? एक नेक कैनल सेल होती है। कितनी नेक कैनल सेल होती है? एक नेक कैनल सेल होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्न जो टेरिडोफाइट है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहलाती है। फर्न होती है मतलब टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक होते हैं ना जनरेशन क्या कहलाती है? मतलब टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट क्या कहलाता है? प्रोथेलस। टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट क्या कहलाता है? प्रोथेलस कहलाता है। तो प्रोथेलस क्या हो गया? प्रोथेलस हो गया टेरिडोफाइट होते हैं उसका जो गैमेटोफाइट होता है उसको ही क्या कहा जाता है? प्रोथेलस। ठीक है नेक्स्ट है कि राइजोफोर किस में प्रेजेंट होते हैं? तो राइजोफोर प्रेजेंट होते हैं सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला क्या है? एक प्रकार का टेरिडोफाइट। राइजोफोर प्रेजेंट होते हैं सिलेजिनेला में। ओके नेक्स्ट है कि स्पोरोकार्प, स्पोरोकार्प किस में पाए जाते हैं? स्पोरोकार्प पाए जाते हैं मार्सिलिया एंड साल्विनिया में जो कि क्या है? टेरिडोफाइट है। स्पोरोकार्प किस में पाए जाते हैं? मार्सिलिया और साल्विनिया में। स्पोरोकार्प पाए जाते हैं मार्सिलिया और साल्विनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट होती है। गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी स्वतंत्र और स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी स्वतंत्र और दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। हेट्रोमॉर्फिक पीडी एकांतरण पाया जाता है। तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिसमें कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्वतंत्र होते हैं? वो प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट। कौन से प्लांट होते हैं? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विलवर्ट या मर्लिन ग्रास किसे कहते हैं? क्विलवर्ट किसे कहा जाता है? आइसोइटिस। किसको कहा जाता है? आइसोइटिस। क्विलवर्ट कहा जाता है आइसोइटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना मियोसिस हुए स्पोर मदर सेल से सीधे ही गैमेटोफाइट का निर्माण, मियोसिस वियोसिस वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, स्पोर मदर सेल है उसने सीधे ही किसका निर्माण कर दिया? गैमेटोफाइट का निर्माण कर दिया। सामान्यतः तो ऐसे होते हैं स्पोर मदर सेल किस क्या बनाती है? स्पोर बनाती है। स्पोर से किसका निर्माण होता है? गैमेटोफाइट। लेकिन स्पोर मदर सेल सीधा ही किसका निर्माण करते हैं? गैमेटोफाइट का। तो वो क्या कहलाता है?
एपोस्पोरी, क्या कहलाता है? एपोस्पोरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा पादप जो कि सीड बनाता है पर फल वृद्धि नहीं, मतलब प्लांट जो कि सीड बनाता है लेकिन फल वृद्धि नहीं, फल नहीं, वो है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइनस में गैमेटोफाइटिक पीढ़ी की प्रथम सेल तो वो होती है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो जो गैमेटोफिटिक, ये तो मतलब सीधा क्वेश्चन है कि गैमेटोफिटिक पीढ़ी की प्रथम सेल क्या होती है? गैमेटोफिटिक पीढ़ी की प्रथम सेल होती है स्पोर, जबकि जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी होती है उसकी प्रथम सेल क्या होती है? उसकी प्रथम सेल होती है स्पोरोफिटिक पीढ़ी की प्रथम सेल जायगोट, क्या होती है? जायगोट। ओके, गैमेटोफिटिक पीढ़ी की प्रथम सेल होती है स्पोर, जबकि स्पोरोफिटिक पीढ़ी की प्रथम सेल होती है जायगोट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन की एकमात्र विधि, तो जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है? उसमें है ना किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? एयर के द्वारा, वायु के द्वारा। ओके जिम्नोस्पर्म में ओनली और ओनली किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? वायु द्वारा, एयर द्वारा। ओके तो साइकस में परागकण निकलते हैं, साइकस मतलब जो जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है ना वो कितनी स्टेज? थ्री सेल स्टेज में होता है जिम्नोस्पर्म, यानी कि साइकस में जो पॉलिनेशन होता है वो कितनी सेल स्टेज में होता है? तीन सेल स्टेज में। जबकि अगर अपन से पूछ लिया जाए एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है टू सेल स्टेज में, कितनी सेल स्टेज? टू सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनस के बीजों में पंखों का विकास होता है, पाइनस के बीज होते हैं ना उसमें क्या पाए जाते हैं? ऐसे विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, तो उन पंखों का विकास किससे होता है? ओव्यूलिफेरस स्केल से। किससे होते हैं? ओव्यूल के जो स्केल होते हैं ना, ओव्यूलिफेरस स्केल से। ओके तो पाइनस के बीजों में पंखों का विकास किससे होता है? ओव्यूलिफेरस स्केल से। किससे होता है? ओव्यूलिफेरस स्केल। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणकोश यानी कि एंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है? जबकि अपन से पूछ लिया जाए कि एंजियोस्पर्म होता है उसका एंडोस्पर्म क्या होता है? उसका एंडोस्पर्म होता है 3N। ओके क्यों जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म N क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इस N होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइनस के बीजों में बीज पत्र की संख्या होती है, तो पाइनस होता है एक प्रकार का क्या है? जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत सारे होते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज पत्रों की संख्या होती है अनेक, बहुत सारे। ओके जबकि मोनोकॉट में बीज पत्र एक, डाइकॉट में बीज पत्र दो, और जिम्नोस्पर्म का पूछ लिया जाए उसमें बीज पत्र होते हैं बहुत सारे, अनेक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइट पाया जाता है, लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइट किसका होता है? साइकस का। लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइट फाउंड इन, तो लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइट मतलब सबसे बड़ा एंथ्रोजॉइट किसका होता है? साइकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहलाता है? तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? वो तो एम्ब्रियो सैक होता है। फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक, जबकि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? परागकण यानी कि पोलन ग्रैन। फीमेल एम्ब्रियो गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक, जबकि मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रैन, परागकण। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन ये किसके लक्षण है मैन? ये एंजियोस्पर्म के लक्षण होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किसके करेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म प्लांट में मैक्सिमम हैप्लोइड सेल्स पाई जाती है, तो मैक्सिमम हैप्लोइड सेल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जो पोलन चैम्बर होते हैं ना, पोलन चैम्बर, उसमें हैप्लोइड सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल फ्लावर यानी कि स्टेमिनेट फ्लावर उसमें क्या एब्सेंट होता है? तो मेल फ्लावर में क्या एब्सेंट होगा? गाइनोशियम एब्सेंट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग ऐपरेटस किस चीज़ का बना होता है? एग ऐपरेटस बना होता है एग सेल और सिनर्जेट, किसका बना होता है? एग सेल और सिनर्जेट सेल, सहायक कोशिका, उनका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलन चैम्बर की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? टेपिटम, क्या कहलाती है? टेपिटम। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो परागकण होते हैं ना उनके डेवलपमेंट में परागकणों को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है,
परिवर्तित परागकणों को पोषण प्रदान करती है, एपिडर्मिस परत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में जर्म पोर पाए जाते हैं, तो एंजियोस्पर्म में जर्म पोर किस में पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर होता है उसमें जर्म पोर पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। ओके ओके कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूबिस बॉडी का स्तवन करता है, तो यूबिस बॉडी का स्तवन कौन करता है, टेपिटम। कौन करता है यूबिस बॉडी का स्तवन, टेपिटम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में पोलन चैम्बर से निकलने वाले पोलन ग्रेन होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में होते हैं ना उसमें जो पोलिनेशन होता है वो कितनी सेल स्टेज में होता है, टू सेल स्टेज में। एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन होता है टू सेल स्टेज में, जबकि जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन होता है थ्री सेल स्टेज में। कितनी सेल स्टेज में, थ्री सेल स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलीफॉर्म एप्लेटस पाया जाता है, फिलीफॉर्म एप्लेटस किस में पाया जाता है, सिनर्जिट सेल में, सिनर्जिट्स में। किस में पाया जाता है, फिलीफॉर्म एप्लेटस, सिनर्जिट्स में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्कोगैमी किस में पाई जाती है, हर्कोगैमी पाई जाती है किस में, कैलोट्रोपिस में। हर्कोगैमी पाई जाती है किस में, कैलोट्रोपिस में। नेक्स्ट है कि चमगादड़ द्वारा जो पोलिनेशन होता है ना उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कायरेप्टेरोफिली। क्या कहा जाता है, कायरेप्टेरोफिली। पोलिनेशन बाय बैट्स, बैट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, कायरेप्टेरोफिली, कायरेप्टेरोफिली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना उसमें कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं, उसमें दो न्यूक्लियस तो ये रहे बीच में होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस गैमेट का आता है तो तीन न्यूक्लियस तो ये हो गए, एक न्यूक्लियस एग सेल का, एक न्यूक्लियस यहाँ से गैमेट आया तो दो न्यूक्लियस ये हो गए, तीन प्लस दो पाँच, पाँच न्यूक्लियस भाग लेते हैं। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं, पाँच न्यूक्लियस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिकल की कवरिंग यानी मूलांकुर का खोल क्या कहलाता है, पोलियोराइजा। रेडिकल की जो कवरिंग होती है ना वो क्या कहलाती है, पोलियोराइजा। क्या कहलाती है, पोलियोराइजा। रेडिकल की कवरिंग क्या कहलाती है, पोलियोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के रास्ते ओव्यूल में प्रवेश करती है तो वह क्या कहलाता है, जब पोलन ट्यूब होती है ना वो माइक्रोपाइल होते हैं उसके रास्ते ओव्यूल में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं, पोरोगैमी। क्या कहा जाता है, पोरोगैमी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है, नींबू, नींबू संतरा सिट्रस होते हैं ना उनमें क्या पाई जाती है, पॉली एम्ब्रियोनी। नींबू उसमें क्या पाई जाती है, पॉली एम्ब्रियोनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूमिनेट एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, रूमिनेट एंडोस्पर्म पाया जाता है एरिस्टोलोकिया में। किस में पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया। रूमिनेट एंडोस्पर्म पाया जाता है एरिस्टोलोकिया में। किस में पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोज़ेक एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, मोज़ेक एंडोस्पर्म पाया जाता है जिया मेज यानी कि मक्का में। मोज़ेक एंडोस्पर्म होता है वो किस में पाया जाता है, जिया मेज यानी कि मक्का में पाया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्पर्म यानी कि परिभ्रूणपोष वो किसका अवशिष्ट भाग होता है, तो पेरिस्पर्म होता है ना वो किसका अवशिष्ट भाग होता है, न्यूसिलस। किसका, न्यूसिलस। न्यूसिलस बीजों में है ना, वैसे तो है ना न्यूसिलस होता है वो पूरा समाप्त हो जाता है, जब न्यूसिलस पूरा समाप्त हो जाता है, लेकिन किसी किसी बीजों में है ना न्यूसिलस का कुछ भाग बचा रहता है, तो उस बचे हुए भाग को, अवशिष्ट भाग को क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म। क्या कहा जाता है, परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात कौन सी संरचना बीज बनाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बीज का, बीज कौन बनता है, ओव्यूल। ओव्यूल क्या बना देता है, बीज बना देता है, जबकि ओवेरी क्या बना देती है, फल बना देती है। ओके अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।